सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में नए ट्विस्ट में दिखाया जाता है कि दादी से आबिरा के सामने अरमान और रुई के पहले प्यार की बातें कर आबिरा से अरमान को अलग करने की साजिश करती है। जब रुई आबिरा के सामने कन्फेस करती है कि हाँ वो आबिरा और अरमान की शादी से पहले से ही प्यार करते हैं और आबिरा ने सब कुछ उससे छीन लिया। रुई की बातों में स्वर्णा साथ देकर आबिरा को ब्लेम करती है और दादी से आबिरा को अरमान के खिलाफ कर कहती है कि रुई हमेशा से अरमान का पहला प्यार थी और हमेशा रहेगी। मनीष रुई और आबिरा का साथ देकर अरमान की बुराई करते तो स्वर्णा और रुई सिर्फ आबिरा को ब्लेम करते जाते हैं। हेलो वेलकम टू अतुल टॉक चैनल, सब्सक्राइब द चैनल नाउ। ऑन टुडेस एपिसोड हैज बीन शोन दैट दिखाया जाता है कि अरमान ड्रीम में इमेजिन करता है आबिरा और अरमान साथ में ट्रेडिशनल लुक में है और दोनों बहुत खुश है। अरमान जब आबिरा का डेट पर वेट करता दिखाया जाता है, आबिरा अरमान से सवाल करती है कि वो कौन सी लड़की थी जिससे अरमान प्यार करता था। तब आबिरा ही अरमान के सामने रिवील करती है कि वो रुई ही है ना जिससे अरमान प्यार करता था और हमेशा करता रहेगा। पहले अरमान रुई से प्यार करता था, अब आबिरा से करता है, कल किसी और से करेगा। आबिरा कभी अरमान की पहली पसंद नहीं थी। आबिरा अरमान को मिसअंडरस्टैंड कर दादीसा की बातें याद करती है और अरमान को हर्ट करती है ये कहकर कि वो कभी अरमान का फेस नहीं देखना चाहती। अरमान आबिरा की बातें और आबिरा रुई की बातें सुनकर हार्ट ब्रेक फील करते हैं और आबिरा अरमान को वहां से छोड़कर चली जाती है। अब तो बस देखना तो ये होगा कि क्या होगा आगे, क्या अरमान आबिरा को रोक पाएगा, क्या अरमान जान पाएगा दादीसा की साजिश, क्या विद्या देगी माधव और आबिरा का साथ। देखिए सीरियल में सिर्फ स्टार प्लस पर।